कैसे कैसे प्रेडिक्शन की गई बताए, आपको कोई शर्मिंदगी आपने प्रेडिक्शन पर? ना कभी, मैंने को अपने पे कभी भी शर्मिंदगी नहीं हुई, क्योंकि मैं जिस लीडर को मानता हूँ वो मुझे शर्मिंदा नहीं होने देता। बात दरअसल ये है, पहला जो सवाल देखेंगे कसौटी नहीं चल रहा, अपना तजिया दे दें, सवाल जवाब को छोड़ें, उनका अपना तजिया, आपका अपना तजिया, अब आप ये बताएं। नहीं नहीं आप नहीं किया करें, देखें एक मिनट बात करने दें, अगर नहीं करने देनी हम फोन बंद करते हैं, ठीक है? मर्जी आपकी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप मुझे तड़ी नहीं दे सकते कि फोन बंद करते हैं या फोन खोलते हैं, ये नहीं कहेंगे फोन बंद करते हैं या फोन खोलें खोलते हैं, ये ना कहें, आपको मैंने एयर किया है, आप अपना बात करें, आप कॉलर के ऊपर उस पर ना चढ़े। समीना जी आप देखें, मैंने आपसे पहले भी बड़ी रिक्वेस्ट भी की है, मैंने जिस दिन आपको नोटिस भेजा आपको कहीं आपको संभालने नहीं आएगा, ये याद रखना आप। चले ठीक है, फिर आप ऐसा करें नोटिस ही भेज दें भाई, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपका, ऐसा कर लेंगे आप लाइव शो में आकर इस तरह की धमकियां देंगे तो प्लीज आप जो ना नोटिस भेजें उसी के बाद आप एयर पे होइएगा, अदरवाइज नहीं आइएगा। सॉरी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे पास कॉल की, बहुत बड़ा एहसान किया आपने। ये जो दूसरे कॉलर आके जो बात करते हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए कॉलर के आपके ऊपर आकर आप ये बात ना क्या करें कि भाई ये कॉलर बहुत अच्छा है तो इसको आना चाहिए। देखें, देखने वाले बहुत लाखों करोड़ों लोग हैं जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को और शो को, और रिकॉर्ड भी होता है, सब कुछ होता है। अब मुझे इस तरह के कॉलर नहीं चाहिए जो लाइव शो में आके इस तरह के धमकियां देना शुरू कर दें। ये व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं चल रहा जी, व्हाट्सएप के 500 लोगों के बीच में बैठ के जो आप ग्रुप चला रहे होते हैं और उसमें जाके आप एक दूसरे को धमकियां और गाली गलौज कर रहे होते हैं, ये एक लाइव शो हो रहा है और दुनिया में देखा जा रहा है, ये आपके 500 लोग नहीं है जिसमें आप धमकियां लगा दें या तड़ियां लगा दें। तो आप ऐसा करें कि आप लीगल नोटिस ही भेज दें तो ज्यादा बेहतर होगा, आप इस पे काम शुरू कर दें, मैं लाइव शो में कह रही हूँ आपको, करें और कटे के बाद भेजें, उसके बाद आप कॉल कीजिएगा इसके ऊपर। जी हेलो जी, अच्छा वालेकुम सलाम जी, मेरी बहन एक सेकंड जी, एक सेकंड जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मेरी बहन मैं भी आपके लाइव शो में कह रहा हूँ कि मैं भी इन कॉलर को ढूंढ रहा हूँ कि इनका मेरे पास, मेरे को इनका सही नाम, क्योंकि ये तीन नामों से आ चुके हैं अब तक, ये भी मुझे भी इस कत्ल की धमकी दे चुके हैं इस प्रोग्राम के अंदर, और मैं भी इनको ढूंढ रहा हूँ कि मैं भी इनको नोटिस भिजवाऊंगा और मैं भी इनको अदालत का घसीटूंगा, अगर इनमें इतना थप्पड़ है तो ये भी अपना नाम और अपना फोन नंबर मेरे को दें, अगर मैं इनको एक हफ्ते के अंदर नोटिस ना भिजवा दूं तो मेरा नाम भी साजिद नहीं। चलिए जी सर, बोले आप क्या बोल रहे हैं, ये देखिए लाइव शो है भाई, खुदा के लिए इसको समझने की कोशिश करें, आए अपना तजिया दें, आप दो घंटे लोग इसमें आते हैं अपनी बात कर रहे होते हैं, ये नहीं कि आके, और मैंने हजार दफा मना किया कि आके आप जो ना कॉलर को सपोर्ट करना छोड़ दें प्लीज, ये ना करा करें कि जी हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, सिर्फ कॉलर की बात है, आप कॉलर से कॉलर की बात करें, अपना तजिया दें और जाएं। ये लाइव शो में इसी तरह होता है, ये नहीं कि आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कॉलर है तो ये बहुत खराब है, ऐसा नहीं है, सब कॉलर मेरे लिए बहुत रेस्पेक्ट रखती हूँ मैं, हर कॉलर मेरे लिए बहुत अच्छा है, इसलिए कि ये जब कॉलर का प्रोग्राम है तो मैं हर कॉलर को वो इज्जत देती हूँ। जी बोले, हेलो जी, मैं बात कर सकता हूँ जी, बात करें। ये जो अभी जो बदतमीज जो कॉलर आया है, ये तो वैसे तो ये नून लीग वाले अपनी बदमाशी हर जगह नजर आ जाती है, और जैसे इनका वो अता वाला तारा जो डेट्रोनिक पाउडर वाली शक्ल जैसा जो कानून के धज के यहाँ उड़ा देते हैं और यहाँ आके अपने आप को पता नहीं किस तरह करते हैं, नोटिस क्या भेजेंगे, ये अपना नाम और डालते हैं फिर इनको पता चलेगा, और दूसरी बात है ये कानूनी तौर पे बात करनी चाहिए, अपने दलाल देने चाहिए और एक दूसरे के जगह पर आप अपने दलाल दो, आपके दलाल किसी और के क्यों आप अटैक करते हो, तो ये जो नून लीग का पुराना ये जो है ना इनके जो मुंशी और जो इनकी जहनीत है वो जाहिर हो रही है, इनके सामने कोई कानून या कोई रेस्पेक्ट होती नहीं है, हमेशा जैसे राणा सनाला के जहन है और इनके जो शहबाज शरीफ और ये सारे जो बदमाश नून लीग की जो बातें हैं वो अपनी जहनीत यहाँ जाहिर करते हैं, तो ऑनलाइन लाइन डायरेक्ट जो है वो काम जो बात करनी चाहिए वो रेस्पेक्ट मैनर में करनी चाहिए, और आपको नोटिस भेजेंगे तो ये अपने आप ही खुद ही मौत मर जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, बोले मैं बोलूं जी, ये बिल्कुल ना देखें ये जो जी बंदे हैं, एक सेकंड जाफरी साहब का जरा ले लूं फिर आपका महबूब भाई लूं जी, हेलो जी, मैं समीना जी आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपना प्रोग्राम खराब कर रही हैं, अगर किसी को ये सब कॉलर ऐसे ही करते हैं, सजाद भाई सबकी साइड लेता है, लियाकत भाई लेते हैं, सब लेते हैं, मैंने सबको मना किया, हर एक को कह रही हूँ, मैं हर एक को लाइव शो में कह रही हूँ, आपको भी कह रही हूँ, अगर आप भी किसी को कॉलर को ना कहें ये कॉलर अच्छा ये खराब है, अगर अगर कोई बात सुने, अगर कोई कॉलर जवाब देने के लिए ना है तो फिर सजाद भाई पुकारते हैं, आओ भाई आगे बात करो, तो फिर ना बोला करें सजाद भाई को रोके, भाई ना इनको
दावत दिया करेंगे आओ। दावत किसी को नहीं देनी, मैंने कल मना किया था आपके इत्तला के लिए आ जाए, शायद आपने सुना होगा। आपने एक बात सुने जाफरी साहब, आपने साजिद भाई की तो बात बहुत याद कर ली, पर आपने मेरे लफ्ज नहीं सुने जब मैंने साजिद भाई को रोका था कि प्लीज आप बहुत सारे देखने वाले और आप किसी को आवाज ना दे, आप अपना ओपिनियन अपनी राय दे। पूछे कल मैंने आपको कहा था साजिद भाई या नहीं कहा था? जी हेलो जी, मेरी बहन आपने मेरे को फौरन रोक दिया था। हाँ आपने मेरे को फौरन रोक दिया था। इनको कल आपकी बात का लफ्ज याद रहा, जब आपने आप सैयद भाई को बुला रहे थे तो मैंने आपको कहा था रहने दे आप अपना ओपिनियन देते ना, जब उनको कॉल करनी होगी वो करेंगे, आप अपनी बात करें, आप ऐसे आवाज ना दें कि भाई आओ आओ बात करो। मगर तो, मेरी बहन मैं जरा कुछ ऐड कर दूं, जरा जाफरी भाई की बात पे ऐड कर दूं। जाफरी भाई ये प्रोग्राम जो है ना ये हम सब फैमिली है, आप हो गए, महमूद भाई हो गए, सैयद भाई हो गए, फैसल भाई हो गए, लियाकत भाई हो गए, दूसरे भाई हो गए, हम लोग आपस में। आप जब प्रोग्राम में नहीं आ रहे थे आप पूछे समीरा बहन से, मैंने पूछा लिया अपना जाफरी भाई खैरियत से हैं, उनकी बहुत दिनों से कॉल नहीं आ रही है। मेरे भाई हम लोगों के लिए एक खानदान बना हुआ है, कॉलर का एक गुलदस्ता बना हुआ है, बहस जरूर होती है मगर बाद में सब एक दूसरे के साथ एक खड़े होते हैं। बात 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 ये भी है कि हम मिस करते हैं, कोई भी अगर कॉलर नहीं आता, बिल्कुल सही कहा आपने, राइट। और मैं खुद अनदेखा रिश्ता बना हुआ है सबके साथ ये कॉलर का, इसीलिए चाहती हूँ। बात ये है कि सैयद भाई ने बहुत पुराने हैं, बात तो सुन लेना, सैयद भाई बहुत पुराने हैं, फैसल भाई बहुत हम लोगों से पुराने हैं, मगर कभी आप लोगों में ये हुआ है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हारे को ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे को वो कर दूंगा। मेरे भाई क्योंकि आप लोगों को प्रोग्राम चलाना आता है, ये प्रोग्राम जो है हमारी बहन चला रही है, एक मेहनत कर रही है बिचारी, -10-15 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आके अगर प्रोग्राम कर रही है, मेरे भाई उनको क्या सवाब मिल रहा है मुझे बता दो आप, कि साजिद की आगे बकवास सुननी है या महमूद साहब की बकवास सुननी है या आपकी बकवास सुननी है? वो सिर्फ बात ये है अपने मुल्क के लिए, भाई रुक जाए ना भाई, बात ये है कि समीना जी बात यह है कि जो आपका पुराना फॉर्मेट था ना जी, अगर आप उस पे वापस चली जाए तो मुझे लगता है कि वो काफी बेहतर है। उसमें आपके पास बहुत सारे कॉलर थे और लोग कॉल करते थे, अपनी बात कहते थे, आपके बहुत सारे कॉलर अब आते ही नहीं है। अब देखे ये जो आपने किसी कोई माइंड ना करे प्लीज, साई भाई आप भी माइंड ना करे, ये जो हम कहते हैं ना कि मैं जवाब दू, मुझे जवाब देने दे इस बात का, यू आर नोबडी टू गिव आंसर। आप अपना तजिया दीजिए, लोगों को अपना तजिया देने दें। आप कहें कि मैं इस कॉलर की बात से एग्री नहीं करता हूँ, यही ये फॉर्मेट यही है कि भाई एग्री ना कर सके, ये नहीं है आके शोर मचा दें। लेकिन देखें कुछ दिनों से ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ दिनों से हो ये रहा है कि आप आगे जवाब दें, आप मैं आपको जवाब देता हूँ। यार यहाँ पे जवाब सवाल का नहीं है, यहाँ पे अपना तजिया दीजिए, आप कॉलर की राय से एग्री डिसएग्री करें। और जो आप पहले 30 सेकंड का कहती थी सब लोग आके मैसेज दें, मुझे लगता है वो दैट वाज द बेस्ट।